अस्सलाम वालेकुम सेवन क्लास, आज के लेक्चर नंबर 37 में हमने यूनिट नंबर 3 इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। इसके क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 और 5 आपने बुक के ऊपर सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, इनका आपने होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। बरसगीर में अवालीन इस्लामी तहरीक बानी हजरत मुजद्दद अलसानी 1564 को किस मशहूर तारीख शहर में पैदा हुए? सरहिंद। मुगलों के निज़ाम हुकूमत में किस को मरकज़ी हैसियत हासिल थी? बादशाह। मुगलिया दौर में सूबों को इंतज़ामी सहूलत की गर्ज़ से किस तरह तकसीम किया जाता था? सरकारों। वकाय नवीस क्या काम करता था? सूबों से मरकज़ को ख़बरें फ्राहम करना। किस बादशाह ने एक कायदा मुरतब किया जिसमें बच्चों के लिए हरूफ शनासी का तरीका अख्तियार किया गया था? अकबर। इसके बाद सवाल नंबर 3, मतन के मुताबिक खाली जगह पूर करें। बाबर को कहीं से भी अच्छी किताबें मिलती तो वो डैश को भिजवा देता था बेटू। पुरगने का अफसर आला डैश कहलाता था आमिर। दीवाने बरीद का काम डैश दाग को लाना और ले जाना था सरकारी। शाहजहाँ ने अपने ज़माने में कई मदारिस का डैश अपनी जेब से अदा किया खर्च। बख्शी सुबह में मुतय्यन फौज का डैश होता है सरबरा। इसके बाद ट्रू फॉल्स है। बरसगीर में अवालीन इस्लामी तहरीक के बानी हज़रत मुजद्दद अली सानी 1564 को तारीखी शहर सरहिंद में पैदा हुए? दुरुस्त। सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक 1469 को पंजाब के ज़िला लाहौर में पैदा हुए? क्रॉस। हर सूबे में ख़जाने का एक अफसर हुआ करता था जो फौजदार कहलाता था? दुरुस्त। सूबों को इंतजामी सहूलत की गर्ज से सूबों में तकसीम किया गया था? क्रॉस। कानून को ज़ेर काश्त अराजी का रिकॉर्ड रखता था? दुरुस्त। इसके बाद कॉलम है आमिल, इसका आंसर है पुरगन्ने का अफसर आला, फौजदार फौजियों का कमांडर, फोतादार ख़जाने का अफसर, वकाय नवीस सूबों से मरकज़ को ख़बरें फ्राहम करना, कोतवाल पुलिस का सरबराह। इसके बाद के क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सिख मज़हब के बानी कौन थे? इसका आंसर पेज नंबर 58 के ऊपर है। ये यहाँ से आपने जितना मैंने ये रेड से मार्क किया हुआ है इसको आपने लिखना भी है, याद भी करना है। इसके बाद